हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी एक लेडी की है जिसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत कहानी भी सुनी होगी, लेकिन आज कुछ अलग सुनने को मिलेगा इसी लेडी के, ब्लडी मैरी। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर अफवाह? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इतिहास में इसके बारे में जानकारी पाई गई है। ब्लडी मैरी कोई और नहीं बल्कि एक इंग्लैंड की रानी मैरी टुडोर थी। पहले वो मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रखा गया, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में काफ़ी सुना गया, लोग कहते हैं कि उन्होंने इसे अनुभव भी किया। ब्लडी मैरी की एक आत्मा है जो हर रात 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अनुभव किया जा सकता है। कहा जाता है रात को इस समय मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने पर आपको वो शीशे में दिखेगी और आपसे बात भी कर सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने पर स्टॉल योर बेबी कहे तो उससे गुस्सा भी आता है। ये बात 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के ज़माने में राजा की 1 से ज़्यादा शादियां होती थी, ये रिवाज था। तो हेनरी की भी बहुत सारी पत्नियां थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की पहली बेटी थी। मैरी को उसके पिता हेनरी इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद भी मैरी को अपना काम और अपने रूम की सफाई खुद को करनी पड़ती थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, जो भी वो कहते उसे वो पूरा करती थी। सन 1947 में मैरी के पिता हेनरी की मौत हो गई। मौत के बाद इंग्लैंड की प्रथाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन कुछ हालातों के कारण इंग्लैंड में धर्म को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन मैरी की इस बात से इंग्लैंड की जनता खुश नहीं थी। जो लोग मैरी की इस बात को नहीं मान रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सजा दी। मैरी ने कई लोगों को तो जिंदा ही जला दिया था, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। जब वो नहाती थी तो बाथटब में खून होता था, क्योंकि मैरी का ये मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिनों तक इंसान जवान रहता है। कुछ सालों के बाद मैरी ने शादी कर ली और वो साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को कुछ समय बाद एक संतान की लालसा पैदा हुई। वो चाहती थी कि उसके बाद में उसकी संतान ही उसकी राजगद्दी संभाले, क्योंकि राजा या रानी उसके बच्चे को ही बनाना था। कुछ महीनों के बाद मैरी गर्भवती हुई तो वो बहुत खुश थी और उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। उसी समय एक बहुत ही अजीब घटना हुई, क्योंकि मैरी के पेट से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और उसका पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तो मैरी घबरा गई और मैरी एक डॉक्टर के पास गई। तो मैरी ने उसे बताया कि आपको कुछ गलतफहमी है, नहीं आप गर्भवती थी और नहीं आपके पेट में कोई बच्चा था। मैरी डॉक्टर की बात सुनकर पागल सी हो जाती है और वो एक तांत्रिक के पास जाती है। तो तांत्रिक ने मैरी को बताया कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत पल रहा था। ये बात सुन के मैरी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसको विश्वास नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद मैरी फिर से गर्भवती हुई
और इस बार भी मेरी को बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मेरी बहुत ही डिप्रेशन और टेंशन में चली जाती है और कुछ दिनों बाद मेरी की मौत हो जाती है और वहाँ की जनता मेरी को निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और उन लोगों के खून से नहाती भी थी। इस कारण उनका नाम ब्लडी मेरी रखा गया। मेरी के मरने के बाद उस राज्य के राजगद्दी पर एलिजाबेथ को बिठा दिया गया और उस राज्य की रानी एलिजाबेथ को बना दिया गया। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।